Hi guys, welcome back to my channel. I hope that you all are doing good today. So I am back again with a new video. और आज की वीडियो में एक प्रोडक्ट के बारे में आपको रिव्यू करने वाली हूँ और उसे इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ. आज मैं बात करने वाली हूँ रिवेरा नेचुरल्स के बारे में. एक्चुअली गाइस होता क्या है कि हमारे फेस पे, सबके फेस पे अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं. लाइक किसी के फेस जो है ऑयली होता है, बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है फेस पर से, जिसकी वजह से पिम्पल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं उनके. लाइक डिफरेंट पर्सन की वहाँ बात करें दूसरे का, तो वहाँ उसकी स्किन बेजान रहती है, लाइक बहुत ज़्यादा ड्राई सी रहती है. तीसरा, जिसके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई, उसकी कॉम्बिनेशन स्किन है. तो आज का जो वीडियो है ना, ये सारे अलग अलग टाइप के लोगों के लिए होने वाला है. मैं आज की वीडियो में इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ रिवेरा के 4 न्यू लॉन्चेस ऑफ फेस वॉशेस के साथ. तो यहाँ पे इन्होंने न्यू लॉन्च की है अपने कुछ फेस वॉशेस, जिसके 4 वेरिएंट्स यहाँ पे मेरे पास हैं. सो अगर आप रेगुलर बहुत ज्यादा पिंपल से सफर कर रहे हो, तो पहले तो आप ये चीज स्टार्ट करो कि दिन में 2 बार आप फेस वॉश करना स्टार्ट कर दो, मॉर्निंग में एंड नाइट के टाइम. तो उससे जितना ऑयल क्लियर होगा ना आपके फेस पर से, उतना पिंपल आना कम हो जाए. हमारे पास जो ब्लू बेरी वेरियंट्स है विद हनी एंड विटामिन ई, ये आपको क्लेम करता है फाइट एजिंग साइन एंड कीप स्किन सॉफ्ट एंड सफल. तो अगर आपकी एज काफी ज्यादा है, उसकी वजह से आपके फेस पे यू नो दाग धब्बे आना स्टार्ट हो गए, सो डेफिनेटली आप इस वाले वेरियंट्स को ट्राई करते हैं, कर सकते हैं. देन वी हैव दिस पपाया वन, तो ये क्लेम करता है प्रिवेंट टैनिंग एंड लाइटनिंग द स्किन टोन. तो अगर आपकी टैनिंग वगैरह, अगर आप धूप में जाते हो, बहुत जल्दी आपके फेस पे यू नो डार्क स्पॉट्स से होने लगते हैं, पिगमेंटेशन बहुत जल्दी आ जाती है, सो डेफिनेटली आप ये पपाया वाला ट्राई कर सकते हो समर्स में, ठीक है. और देन वी हैव दिस ऑयल क्लियर फेस वॉश लेमन वेरियंस, एंड ये क्रीम करता है हाइड्रेट द स्किन एंड मेक इट क्लियर एंड ब्राइटर. तो अगर आपकी यू नो ऑयल वगैरह ज्यादा आता है, पिंपल वाली अगर आपकी स्किन है, तो ज्यादा ज्यादा फेस वॉश करो. एक्टिवेट नहीं करेगा कुछ भी, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, तो बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं. एंड ये जो स्ट्रॉबेरी है, ये क्लेम करता है अचीव रेडियंट एंड ग्लोइंग स्किन इन वन वॉश. तो ये सारे फेस वॉशेज जो हैं बहुत ज्यादा अमेजिंग है. एंड बेस्ट बात इनकी मुझे सबसे ज्यादा ये लगी कि ये जो सारे फेस वॉशेज हैं गाइस, इसमें 0% पैराबीन, सिलिकॉन और सल्फेट है, यानी कि किसी भी हार्मफुल केमिकल का यूज नहीं किया गया. बात करते हैं इसके टेक्सचर की, तो मैं आपको एक यूज करके बता देती हूँ. इसकी खुशबू इतनी सही है ना गाइस, इतनी सही फ्रेग्रेंस आ रही है ना, कि दिल कर रहा है कि अभी इसको लगाने नहीं, खाने बैठ जाऊं. तो ये आप देख सकते हैं क्लियर है, इसमें किसी भी कलर वगैरह कुछ भी एडेड नहीं है. काफ़ी ऐसी इसकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी है और कलर वगैरह कोई एडेड नहीं है, बट इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा स्वीट है. लाइक ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप फेस वॉश लगा रहे हो, ऐसा लगेगा कि आप खा रहे हो. एंड मैंने इसको यूज़ करके देखा, काफ़ी अच्छे से ये फोम भी क्रिएट कर देता है, जितना आपको चाहिए होता है उतना, उससे ज़्यादा नहीं करता. सो आप ज़रूर ट्राई करें एक बार 4 फेस वॉशेस को. इनको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, चारों को आप लोग अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग वहाँ पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं एंड ट्राई जरूर करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट.